close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what... Hello friends, good morning, welcome back to my channel. आप सब कैसे हो जरूर बताना. टाइम 10 बज चुके हैं और आज कोई रेसिपी तो मैं नहीं बनाने वाली, और मैंने रेसिपी शूट करके रखी है, वो भी है वड़ा पाव. तो आप देख लीजिए उसे और मैं अपने काम में जुट जाती हूँ, क्योंकि आज है कौसी को सेकंड सिर्फ, मुझे आज दोपहर को लंच भी बनाना है. तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. वड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू को मैश करके ले लिया है, और अब इसमें थोड़े मसाले कर देंगे. पहले नमक ले लेते हैं, गरम मसाला लेंगे. बस ये नमक और गरम मसाला डाल दिया है, अब हमें इसमें तड़का लगा लेना है. तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, ये गरम हो गया है तो थोड़ी राई डाल देंगे. राई को हम चटकने देंगे. राई चटक गई है तो हरी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ते, हींग और थोड़ी सी हल्दी, इनको मिक्स करके तड़का लगा लेना है. इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. हमारी हरी मिर्च तीखी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जो मेरे पास हरी मिर्च का पाउडर है वो लेंगे. वड़ा पाव तीखा हो तो ही मज़ा आता है. ये स्टफिंग को हमें थोड़ा स्पाइसी बनाना है, तभी अच्छा लगेगा. इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इस मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. चलो ये बड़ा का मसाला हो गया है, मैं बड़े बड़े ही बना रही हूँ, इतनी साइज का बना रही हूँ. चलो ये हो गया है, इसे बेसन की खुल में डीप करके फ्राई कर लेना है, तो हमारे वड़े तैयार हो जाएंगे. मेरे पास मीठी चटनी और लहसुन की चटनी और हरी चटनी है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो बेटर बना लेते हैं बेसन का. यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और नमक डाल देती हूँ थोड़ा. बस ये डालकर हमें पानी डालकर थिक बेटर बनाना है इसका, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे. इसमें और कुछ नहीं डालना है, नमक और पानी डालकर इसका थिक बैटर बना लेना है. देखो इस तरीके से, ये थोड़ा पतला है, और भी बेसन डाल सकते हो आप, मैं थोड़ा डाल रही हूँ यहाँ पर. वड़ा पाव की रेसिपी तो है ही मेरे चैनल पर मैं फिर भी बना रही हूँ, खाने का मन कर रहा है इसलिए. और तीनों चटनी की भी रेसिपी है, मीठी वाली, तीखी वाली और लहसुन की जो आती है वो.
लहसुन की जो ड्राई चटनी है वो भी है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर। देखो इस तरीके से बैटर होना चाहिए। तो चलो ये बैटर हो गया है। अब हमें इसके साइड में हरी मिर्च, वड़ा पाव हो और हरी मिर्च ना हो साइड में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बीच में से मैं ऐसे कट कर लूँगी इस तरीके से। बेसन में डिप करके फ्राई कर लेंगे। चलो ये तैयार हो गया है, थोड़ी देर बाद हम इस वड़े को फ्राई कर लेंगे। चलो वड़े को फ्राई कर लेते हैं। चलो इसे निकाल लेते हैं, फ्राई हो गए हैं। चलो पाव को कट कर लेते हैं, जो हमने घर पे बनाए हैं वही पाव हैं। इसमें हम एक साइड पर मीठी वाली चटनी लगाएंगे। एक साइड पर हरी वाली और बीच में लहसुन की थोड़ी। और ये वड़ा, इसे दबा देना है इस तरीके से। थोड़ी हरी चटनी लेते हैं और थोड़ी मीठी चटनी लेते हैं और ये ड्राई चटनी। हरी मिर्च रख देते हैं और जो बेसन बचा था उसको मैंने थोड़ा सा इसे फ्राई कर लिया है। और लहसुन की चटनी थोड़ी सी ऊपर से। चलो हो गया है।
देखो वेद ने चॉकलेट निकाल ली है अभी अपने के खाने के लिए। यहाँ बैठा है आना है हाय 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 बोल दो हाय तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज कितने दिनों बाद मैंने नींद की है और कितने दिनों बाद मैंने शाम वाली चाय पी है। बस आज का व्लॉग इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा सा भी पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मच जाएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।